भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलने पर राहुल गांधी ने बधाई दी। राहुल ने ट्वीट किया, अभिजीत अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने के लिए बधाई। अभिजीत ने कांग्रेस की न्याय योजना की संकल्पना बनाने में मदद की। इस योजना में गरीबी को खत्म करने और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की ताकत है। इसकी जगह अब हमारे पास मोदिनोमिक्स है। यह अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर रही है और गरीबी को बढ़ा रही है। मोदी ने अभिजीत को नोबेल जीतने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अभिजीत ने उल्लेखनीय कार्य किया। मोदी ने अभिजीत की पत्नी एस्थर और माइकल क्रेमर को भी बधाई दी। केजरी ने कहा, अभिजीत के कार्य से दिल्ली के छात्रों को भी फायदा हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभिजीत को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, साउथ पॉइंट स्कूल और कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज के पूर्व छात्र अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार जीतने पर हार्दिक बधाई। एक और बंगाली ने देश को गौरवान्वित किया, हम बेहद खुश है। जय बांग्ला, जय हिंद। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, यह हर भारतीय के लिए बड़ा दिन है। इस वर्ष के नोबेल विजेताओं में शामिल होने के लिए अभिजीत बनर्जी को बधाई। गरीबी से जंग को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनके इस कार्य से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को भी लाभ हो रहा है। शिक्षा पर हमारा चुनौती अभियान उनके ही मॉडल से प्रेरित है। मशहूर इतिहासकार और कॉलमनिस्ट रामचंद्र गुहा ने भी बनर्जी को बधाई दी। लिखा, अभिजीत बहुत शानदार को कौट भारतीय शास्त्रीय संगीत के भी ज्ञाता हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने भी अभिजीत के साथ ही उनके सहयोगी विजेताओं को बधाई दी। मशहूर वकील और आम आदमी पार्टी के पूर्व सहयोगी प्रशांत भूषण भी अभिजीत को बधाई देने वालों में शामिल रहे। बनर्जी के साथ ही उन्होंने जेएनयू को भी बधाई दी। अभिजीत इस संस्थान के पूर्व छात्र रहे हैं।